नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि विंडोज 10 अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो यूएसबी बूटेबल जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव को कैसे कॉन्फ़िगर करना है इस पीसी के अंदर, ताकि आप विंडोज 10 इस पीसी में इंस्टॉल कर सको। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पीसी बिल्ड कर लिया है, हालाँकि मैंने कैबिनेट में डाला नहीं है, कैबिनेट में बाद में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो मदरबोर्ड SMPS और यहाँ पे देखिए रैम 8GB मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने WD का 240GB का SSD भी ले लिया है। तो दोस्तों, मैंने PC बिल कैसे किया जाता है, चीप एंड बेस्ट आपको अगर PC बिल करना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, जो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे लिया है जीगाबाइट कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है J1800M-D3P। इनबिल्ट प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा, 2.4 GHz का प्रोसेसर है, डुअल कोर। तो चिप एंड बेस्ट है, बढ़िया है, और विंडोज 10 बड़ी आराम से चलेगा। तो चलिए अभी हम दिखा देंगे आपको कि कैसे यहाँ पे हम बूटेबल USB डिवाइस लगा के इस PC को विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए जिसके अंदर विंडोज 10 है, मेरे पास देखिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रिस्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो तरीके से आप इस पेन ड्राइव को बूट कर सकते हो, मतलब इस पेन ड्राइव को आपको फास्ट बूट करना है, क्योंकि इसके अंदर विंडोज 10 है और यहाँ से ही हम लोगों को इंस्टॉल करना है इस SSD में। तो फास्ट बूट इसको सिलेक्ट करना है, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आपको बूट मेनू आपको अगर पता है तो बूट मेनू डायरेक्ट दबा के आप बूट मेनू ला के फास्ट बूट इस पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली BIOS में जाके फास्ट बूट डिवाइस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों को दिखाए थे, तो अभी हम क्या करेंगे, इस PC को रिस्टार्ट करेंगे। तो ऑल कंट्रोल डेल दबा के मैंने रिस्टार्ट कर लिया है। अभी देखिए, आपको देखना है मीन्स कौन से की में आपको बूट मेनू मिलेगा। देखिए यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन F8 में मिल रहा है, तो इसमें तो नहीं है। तो फिर से ऑल कंट्रोल डेल दबाएंगे और F9 दबा के एक बार ट्राई करेंगे, तो F9 में भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम F10 दबा के देखेंगे, ब्रांडेड PC अगर होगा तो HP के लिए आपको F9 में मिल जाएगा, डेल अगर होगा, डेल का PC होगा तो आपको F12 में मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर मतलब असेंबल PC होगा तो मदरबोर्ड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से की में आपको बूट मेनू मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब यही है कि F10 में तो नहीं है। तो हम फिर से ऑल कंट्रोल डेल दबाएंगे, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, देखिए फास्ट बूट डिवाइस यहाँ से ले लिया है। देखिए F10 दबाने से फास्ट बूट डिवाइस यहाँ पे ले लिया है। अगर आपका नहीं लेता है तो आप BIOS में कैसे करोगे, वो भी चलिए आपको दिखाए थे। तो इसके लिए हम लोगों को माउस लगाना पड़ेगा। तो इसको क्लोज कर देंगे और डेल दबा के BIOS में घुस जाएंगे। डेल दबाना है, असेंबल PC रहेगा तो डेल से आपका BIOS आ जाएगा। तो देखिए BIOS आ चुका है, यहां पे देख सकते हैं। अभी आप लोगों को कीबोर्ड के मदद से, राइट एरो के मदद से बूट में जाना है।
तो बूट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फास्ट बूट जो है, फास्ट बूट डिवाइस, वो यहाँ पे HP पेन ड्राइव जो है, HP पेन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, HP पेन ड्राइव अगर दिखाएगा तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और F10 दबा के सेव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली फास्ट बूट डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव वहाँ पे शो कर रहा था, तो आपको यहाँ पे विंडोज का लोगो दिख जाएगा। हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ बूट मेनू दिखा के इस वीडियो को एंड करेंगे। और इंस्टॉलेशन आपको अगर देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, लाइव भी किया था एक संडे को, आप लाइव सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जैसे कि पता है यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। मैं आप लोगों को पार्टीशन तक दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे SSD लगा हुआ है 240 GB का, तो यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो आपको BIOS में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर नहीं दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आई डोंट हैव प्रोडक्ट की हम बाद में डाल देंगे। और मेरा सजेशन दोस्तों यही है कि आप अगर विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हो तो पायरेटेड वर्जन मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी आजकल। तो आप डिजिटल लाइसेंस आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, ऑनलाइन चेक कीजिएगा, डिजिटल लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। लाइफ टाइम का मतलब भी यहाँ पे सुन लीजिए, आपका जो मदरबोर्ड आएगा, मदरबोर्ड जितना दिन चलेगा उतना दिन आपका ओवरऑल लाइसेंस चलेगा। डिजिटल लाइसेंस का मतलब यही है कि डिजिटल लाइसेंस आप अगर यूज़ कर रहे हो तो मदरबोर्ड देख के कीजिएगा। आपका अगर SSD हार्ड डिस्क आप अगर चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मदरबोर्ड अगर चेंज हो जाएगा तो आपको वो वाला जो डिजिटल की है वो बाद में एक्टिव हो नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पे विंडोज 10 प्रो जितना सारा वर्सन है आपको चूज करना है कौन सा वर्सन आपको लेना है। तो यहाँ पे विंडोज 10 प्रो हम ले लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को 240 GB का WD का SSD देखना चाहिए। तो यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक पार्टीशन कर लेते हैं WD का CD मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और बाकी का D drive के लिए छोड़ देंगे। अभी क्या करना है, CD के ऊपर क्लिक करना है जो 97.5 GB दिखा रहा है, और यहाँ पे जो सिस्टम रिजर्व सिस्टम फाइल उसमें नहीं, 97.5 जो दिखा रहा है उसमें सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। दैट्स इट दोस्तों, मतलब विंडोज 10 इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्वरल टाइम आपका जो है PC रिस्टार्ट हो सकता है मैक्सिमम टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको विंडोज 10 इंस्टॉल होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही दिखाना था कि आप बूटेबल USB ड्राइव कैसे यूज़ कर सकते हो विंडोज 10 इंस्टॉलेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जो है वो दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।